हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं नमकीन बाटी। नमकीन बाटी वैसे तो राजस्थान का जो फेमस खाना है दाल बाटी चूरमा, उसके साथ बनाई जाती है, लेकिन हम इसे स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। सर्दियों में, बरसात में ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ईजी रेसिपी भी है, और हम इसे वैसे भी कुकर में बनाना बता रहे हैं आपको, तो ये और भी ईजी बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नमकीन बाटी बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 6 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल लिया था और थोड़ा सा क्रश भी कर लिया है। ये थोड़ी सी किशमिश है, ये थोड़े से काजू हैं, ये अदरक है एक टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये नमक है, मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये हरा धनिया और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, ये काली मिर्च है इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और ये साबुत धनिया है इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट के रखा है, और ये इसमें अमचूर पाउडर है और चाट मसाला है। अब हम सबसे पहले इन मसालों को इसमें मिलाएंगे। ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। यह 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर है। ये अमचूर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला है। ये काली मिर्च है और ये साबुत धनिया है क्रश करा हुआ। और इन चीजों को अब हम पहले सबसे पहले इनको मिला के काजू भी हम डाल देंगे इसमें। तो हम थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब हम इस मसाले को भूनेंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है, और ये मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये ग्रेट करी हुई अदरक को डालेंगे। फिर ये हरी मिर्च डालेंगे। और अब हम ये मसाले को डाल देंगे। आपको यदि इसमें पसंद हो तो साबुत भी काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी क्रश कर ली थी काली मिर्च को। किशमिश हम इसके अंदर नहीं मिला रहे हैं, किशमिश हम
बनाते टाइम इसमें एक एक डालेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर किसी में तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, किसी में आती ही नहीं है, तो इसलिए। और इसमें ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और ये हरा धनिया डालेंगे। अब गैस बंद कर देंगे, हमारी ये स्टफिंग तैयार है। जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बाटी का आटा लगाएंगे। अब हम बाटी का आटा लगाएंगे, तो ये मैंने डेढ़ कटोरी आटा ले लिया है। ये मेरा आटा थोड़ा सा मोटा ही है, बाटियां थोड़े मोटे आटे से ही अच्छी बनती हैं। यदि आपके पास मोटा आटा ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिला सकते हैं। ये मैं हाफ टेबल स्पून इसमें नमक मिला रही हूँ। और अब इसमें हम घी डालेंगे। तो हम चेक करेंगे कि इतना बहुत है कि और डलेगा इसमें। में मोण अच्छे तरह से होना चाहिए, नहीं तो हमारी बाटी अच्छी सॉफ्ट और वैसी नहीं बनेगी, कुरकुरी। थोड़ा सा और डलेगा इसमें अभी। देखिए अब इसमें सही है, ये हमारा आटा बन रहा है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के का आटा लगाएंगे। हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा लगेगा इसका, इतना सॉफ्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे हम इसका डो तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा आटा लग गया है इस तरह से। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा घी लगा के इसके ऊपर घी डाल के इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे। थोड़ा सा हाथ पे भी लगा लेंगे। देखिए अब हमारा आटा भी तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। अब हम बाटी बनाएंगे। अब हम
हम ये स्टफिंग के छोटी छोटी ऐसे लोई बना लेंगे और इसमें एक एक किशमिश भी रखते रहेंगे ऐसे। आपको ज्यादा पसंद हो तो आप दो भी रख सकते हैं। तरह से हम इसकी ये बना लेंगे सारे की। ये देखिए हमने आटे की भी लोई बना ली है और इसकी भी ये मैंने इस तरह से गोल गोल बना लिए हैं। अब हम एक लोई को लेंगे और इस तरह से बाटियों का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से रख के और इस तरह से ऐसे इस तरह से हम इनको बना लेंगे। इनको हमें बंद अच्छे से करना है जिससे खुले नहीं और ये मसाला अच्छे से वो निकल नहीं जाए। हमें इनको अच्छे से ये पैक करके अब हम इस तरह से सारियों को बना लेंगे। ये देखिए हम बाटियों को कुकर के अंदर बना रहे हैं। ये देखिए हमने कुकर के अंदर ये घी डाल के इतना घी डाल दिया है कि हमारी बाटी इसके अंदर डूब जाए। तब हम ये घी को गर्म करेंगे और हमारी बाटियां भी बन गई थी। तब हमारा घी गर्म हो जाएगा जब हम इसमें बाटियों को डालेंगे। देखिए हमारा घी गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर बाटियों को डाल देंगे इस तरह से। एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, इसमें इतनी ही डालेंगे जितनी इसमें आएंगी। गैस की फ्लेम को हम सिम पे कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के और ये हमने इसकी विसिल हटा दी है। और अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हिलाते रहेंगे और खोल के भी चेक करेंगे। तब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखेंगे, चेक करेंगे। और हम अब इसको इस तरह से हम इनको पलट भी देंगे जिससे चारों तरफ से सिक जाए। अब हम इसको फिर वापस से बंद कर देंगे वही 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी बाटी बिल्कुल सिक गई है। इनको सिकने में करीब 15 मिनट लगे हैं इसमें।
इसको हमने एक दो बार चेक करा है बीच में, और बीच बीच में हम इसको कुकर को भी हिलाते रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरी डालेंगे। इस तरह से बनाने से ये बहुत ही अच्छी बनती हैं, बहुत ही कुरकुरी, और इस तरह बनाने से हमें हम दूसरी भी आराम से इसको भर सकते हैं। इसको चेक ही करना पड़ता है इस तरह से बनाने से, तो ये कुकर में बहुत ही इजीली बन जाती हैं। अब हम ये बाकी की बेस में डाल देंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही अच्छी बाटी बनकर तैयार है। कुकर में बहुत ही इजीली तरीके से बन जाती हैं। यदि आपको थोड़ा घी ज़्यादा चाहिए तो आप इन्हें और घी में डाल के रख सकते हैं, और यदि आपको कम घी में चाहिए, बिल्कुल ही बिना घी के चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को घी अवॉइड करते हैं, बीपी वगैरह रहता है तो वो लोग अवॉइड करते हैं, तो आप इसे अपने स्टैंड में भी बना सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी बन जाती हैं, बस खाली घी, उनमें घी नहीं लगता है। हालांकि अच्छी यही लगती हैं, लेकिन आप यदि घी अवॉइड करते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। तो आप देखिए, देखिए कितनी क्रिस्पी और सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो आप मेरे वीडियो को, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम लौटेंगे नई रेसिपी के साथ।